अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरी वन। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आप सब लोगों को देना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए कि हम ना नमाज़ पढ़ लेते हैं, काफ़ी लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, हज कर लेते हैं, रोज़े भी रख लेते हैं रमज़ान में, जो भी इस्लाम के पिलर्स हैं उन्हें फॉलो कर लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, दाढ़ी भी रख लेते हैं इवन, और हिजाब कर लेते हैं। बट द मेन थिंग इज़ कि लोगों से आपके मामलात कैसे हैं, आप लोगों के साथ कैसे हैं, आप जब घर में आते हैं तो आपका नेचर कैसा है, या आप किसी अजनबी से भी मिलते हैं तो आप कैसे हैं, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। हाँ, हमारे फ़र्ज पूरे करने और हमारा हर एक जो भी पिलर है इस्लाम की जो बुनियादें हैं उन्हें पूरा करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन जैसे हुकूकुल्लाह अल्लाह के साथ हमारे मामलात को सही करना ज़रूरी है ना, उसी तरह से हुकूकुल इबाद लोगों के साथ भी हमें अपने मामलों को ठीक करना ज़रूरी ही है, क्योंकि कयामत के दिन हर एक चीज़ का हिसाब होगा। हम अपने रिश्तों के साथ कैसे थे, हमें कोई रास्ते में कोई अजनबी मिल गया, हमने उसको कैसे ट्रीट किया, हमने उसको देख के स्माइल किया कि नहीं किया, हमने किसी अजनबी को सलाम कर देना या किसी को देख के मुस्कुरा देना, ये भी तो एक नेकी है, ये हमारी इस्लाम की चीज़ें हैं, हमें हमारा इस्लाम सिखाता है। तो हम ये चीज़ें जानते ही नहीं कि मुस्कुराना भी नेकी है, छोटी छोटी चीज़ों पे हमें जन्नत मिल सकती है। सोचें कि कभी आपने अगर किसी को बिना किसी गर्ज के किसी की मदद कर दी, आप जन्नत में दाखिल हो गए, या किसी परिंदे को पानी पिला दिया, किसी जानवर की मदद कर दी, किसी को तकलीफ़ से निकाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो शायद आपका ये छोटी सी नेकी जो आपने सोची भी नहीं हो कि ये मैटर करेगी या नहीं करेगी, ये आपकी जन्नत में जाने का एक वसी ला बन जाए, आपने सोचा भी ना हो। किसी अजनबी को सलाम कर देना, कोई बड़ा जा रहा हो और आपने उसे सलाम कर दिया हो, सलाम को आम कर देना हमारे इस्लाम में है, शायद ये आपकी जन्नत में जाने का वसीला बन जाए। छोटी छोटी नेकियों को इग्नोर ना करें, बल्कि छोटी छोटी नेकियां करें, क्योंकि जब हम बड़े बड़े गुनाह करते हैं ना तो ये छोटी छोटी नेकियां हमारे काम आ जाएंगी इंशाल्लाह। अपने घर में देखें कि जब आप घर में आते हैं तो आपके घर वाले आपसे खुश हैं कि नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग बाहर अच्छे होते हैं बट घर में अच्छे नहीं होते हैं, तो आपके घर में अखलाक अच्छे हो, आप जब घर में एंटर करें तो आपके लोग आपके घर वालों को ना आपका इंतज़ार हो कि ये फला शख्स जो है घर आने वाला है, आपके बच्चे इंतज़ार करें आपका ऐसा अखलाक, वो आपसे डरे नहीं, वो आपसे मोहब्बत करे, वो आपकी इज्जत करे, ये आपका किरदार होना चाहिए। एंड यस, आपके अपने अगर आपके साथ हैं ना तो सबसे पहले तो ये बहुत ही बड़ी नेमत है, क्योंकि काफ़ी लोग दुनिया में ऐसे हैं, कितने लोग जो ये ख्वाहिश करते हैं कि काश कोई हमारा अपना होता, कोई तो होता जिससे हम इजहार कर सकते, जिसको हम इम्पॉर्टेंट फील करा सकते, जिसके लिए हम कुछ कर सकते। तो अगर आपके साथ आपका कोई भी अपना है ना तो उन्हें इम्पॉर्टेंट फील कराएं। हम कहते हैं कि नहीं, हमारा प्यार है दिल में है, सबसे है, खून के रिश्ते भी हैं, तो चलो दिल में तो है ही प्यार, जताना क्या। नो, जताना इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्सप्रेस करना इम्पॉर्टेंट है, किसी को इम्पॉर्टेंट फील करवाना कि आपकी लाइफ में वो मैटर करता है, ये इम्पॉर्टेंट है, किसी भी तरह से जैसे भी आप कर सकते हैं। कुछ बड़े ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं, हम अपनी औलाद से क्यों बात करें, हमें वो एक रो वो एक रोब बना के रखना है, बट नहीं, अपने बच्चों के दोस्त बने स्पेशली, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता कि हमारे भाई बहन या हमारे बच्चे ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, ऐसी तकलीफ़ों से, और उनसे शेयर नहीं करते डर की वजह से कि हमारा नेचर जो होता है वो गुस्से वाला हो जाता है। बट हमें ऐसा नहीं बनाना है अपने आप को कि लोग हमसे डरे, लोग हमसे शेयर करें, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो हमारे घर के किसी भी शख्स की तो वो सबसे पहले आप आके आपसे शेयर करें, आपसे बात करें। तो अपने बच्चों के, अपने भाई बहनों के, अपने घर में बिल्कुल दोस्तों की तरह रहें, कि लोग सच में आपसे बात करने का इंतज़ार करें, और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि जब आप इस दुनिया से चले जाएं ना तो वो हर इंसान ना जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो ये याद नहीं रखता कि किसके पास कितनी दौलत थी, कोई कैसा लाइफस्टाइल जीता था, कितनी लग्जरीज में रहता था, वो ये याद रखेंगे कि इसने हमारी बात सुनी थी, हमारी तकलीफ़ को दूर किया था इसने हमें, या किसी अजनबी ये याद रखेगा कि किसी ने हमें सलाम किया था, या घर में आप हैं तो याद रखेगा कि नहीं, इससे बेहतरीन अखलाक तो किसी का है ही नहीं। ऐसे इंसान बने कि मरने के बाद लोग आपको याद करें, भूल ना जाएं दो तीन दिन में, आपका जिक्र बार बार करें मरने के बाद भी, वो आपकी असल कामयाबी है। हमें आज ही से ये कोशिश करनी है कि हम अपने मामलात को ठीक करें, अपने अपनों से उनको इम्पॉर्टेंट फील कराएं, एंड इवन कोई भी हमारे रास्ते में हम बाहर जाते हैं, जिससे भी हमारा वास्ता बढ़ता है, हमारे काम में गैर कोई भी, सबसे हमारा नेचर अच्छा हो कि जिससे भी हम मिले वो हमें भूल ही ना पाए। तो यस, कोशिश करें कि अपने अपनों के लिए गिफ्ट्स लाएं, छोटे छोटे एफर्ट्स करें ताकि उन्हें इम्पॉर्टेंट फील हो, एंड
जो भी आप कर सकते हैं, आपको पता है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, या जो भी हम दीन में जब आ जाते हैं, तो उसकी खूबसूरती का जो असर है ना नमाज का, वो हमारी ज़िंदगियों में दिखना चाहिए कि हाँ ये बंदा दीन पे है और हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि जो दीन को जान लेता है ना, उसकी वो घर में भी बेहतरीन हो जाता है, वो गुस्से वाला नहीं हो सकता, उसको में बहुत सुकून आ जाता है और उसके आसपास लोगों की ज़िंदगियों में सुकून आ जाता है, वो बहुत सब्र वाला हो जाता है, उसको गुस्सा भी आता है तो वो निकालता नहीं, वो सब्र करता है। ये उसकी नमाज का, उसके दीन में आने का असर होता है, ना कि वो गुस्सा वाला हो जाता है या बहुत रोब वाला हो जाता है, वो बहुत एक और अच्छा बेहतरीन इंसान बन जाता है। ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, हमारा इस्लाम, हमारा दीन बार बार हमें सिर्फ मोहब्बत सिखाता है, पॉजिटिविटी सिखाता है, अपनों से, हर किसी से मोहब्बत करना, मोहब्बत बांटना सिखाता है। सो यस, ये एक छोटा सा रिमाइंडर था हम सब के लिए, एंड आई होप हम सब अपने मामलात पे, अपने रिश्तों पे, अपने आप पर काम कर सके, अपने आप को बेहतरीन मुसलमान बना सके जैसे हमें बनना है। हाँ, हम सब कोई परफेक्ट नहीं है, बट एटलीस्ट हम हर रोज़ कोशिश तो कर ही सकते हैं। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई और हम सब अपनी ज़िंदगियों में बेहतरीन चेंजेस लाने की पूरी पूरी कोशिश करें। आमीन। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। एंड यस, टिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह खैर, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।